बस फाइनली यहाँ पर आदि पुरुष को रिलीज होने में बस केवल एक दिन बच गए। जी हाँ, बस एक दिन बच गए रिलीज होने में। अब यहाँ पर एडवांस बुकिंग का जो सिस्टम चल रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा फास्ट फीलिंग दिख रहा है भाई साहब। बहुत सारे शो मिले इसको, बहुत अच्छी बुकिंग चल रही है। अगर इसके टोटल बुकिंग के बारे में अगर हम बात करें सबसे पहले, तो अराउंड इसने 5 करोड़ क्रॉस कर दिया है ऑल लैंग्वेजेस में। सबसे ज़्यादा तो 3D में हिंदी में बवाल मचा के रखा भाई साहब, 3.5 करोड़। तो 3D से ही कमा लिया इसने। अब देखो, मेन मुद्दा पे हम आते हैं कि इस मूवी को लोग अगर इतना ज़्यादा बुक करें तो भाई किस लिए करें। सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला यहाँ पर, श्री राम जी के लिए। जी हाँ, देखो लोग को पता है कि भाई अगर हम ये आदि पुरुष को देखने जाएंगे तो वहाँ पर हमको फील होगा कि भाई कि श्री राम जी को देख रहे, उनकी कहानी को देख रहे। कभी भी देखो, कुछ भी होता है, कहीं पर भी जाओ, अगर हम लोग राम जी की या हनुमान जी की कहानी सुनते तो उसको काफ़ी गौर से सुनते। तो भाई इस कहानी को बड़े पर्दे में देखने के लिए लोग काफ़ी मतलब भीड़ लगा के तो जाएंगे। दूसरा जो पॉइंट मेरे हिसाब से ना भाई, जो बहुत ज़बरदस्त है भाई, इसके गाने मतलब माइंड ब्लोइंग इसके गाने हैं। जो भी गाने इसने अभी तक रिलीज़ किए ना भाई, यार सुनने से ना भाई सब रोंगटे खड़े हो जाते हो। तो सोचो जब हॉल में तुम सुनोगे भाई साहब, वहाँ पर 3D में मूवी देख के जब फील करोगे तो वो अपने अराउंड में, तो वो क्या सीनेरी रहेगा भाई, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए लोग जा रहे हैं। अब देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि लोग कहानी देखने जा रहे भाई साहब, कहानी देखने या स्टोरी सुनने या समझने कोई नहीं जा, क्योंकि रामायण की कहानी भाई बच्चा जानता है, ठीक है। अब मेन बात अगर मुद्दे पे हम लोग करें, मूवी के बारे में बात करें, तो भाई देखो पहला टीज़र तो आपको पता है किस टाइप का आया था, लेकिन मेकर्स ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके ट्रेलर को अच्छा निकाला, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस भी आया। लेकिन भाई इन्होंने एक गलती कर, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि ट्रेलर 2 यानी फाइनल ट्रेलर निकाल कर इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और भाई मिस्टेक ये लग रहा है भाई कि इन्होंने अपना CGI ग्राफिक्स वगैरह कुछ पे काम नहीं किया है। अब देखो, रावण का जो फेस नहीं दिखाया ना भाई, वो 100% तुम लिख लो, वीडियो को सेव कर लो कि उन्होंने उस पर कुछ काम नहीं किया। उन्होंने सोचा कि भाई साहब इस पर अगर नहीं काम किया है तो फेस दिखाना बहुत बड़ा मतलब रिस्क हो जाएगा, मतलब अगर अभी लोग देख लेंगे तो भाई हो सकता है कि ऑडियंस नाराज़ हो जाए, मूवी को देखने के लिए ना जाए। तो भाई देखना, कुछ चेंज नहीं, सिर्फ चेंज किया है क्या पता कलर भाई, यार इतना ज्यादा ब्लैक भाई, रामायण कहानी है, कलरफुल दिखाओ, मतलब हरा भरा सब लगना चाहिए। क्योंकि देखो ये जो मूवी है ना, जंगल वगैरह में पेड़ पौधे जितने क्रिएचर हो उन सबको दिखाओ अच्छा से खूबसूरत। तो भाई तो यार मतलब अंधेरा ही कर दिया, मतलब क्या ही बताओ। तो मैंने आपको जो 2 पॉइंट बताया भाई साहब, लोग मतलब राम जी को फील करने के लिए जाएंगे और भाई साहब गाने सुनने के लिए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए। और भाई इसके जो रिव्यू निकल के आएंगे ना, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, तो 100% सुन लो, सिर्फ गाने के भाई रिव्यू अच्छे निकल के आएंगे। भाई जो गाना फील हुआ उसके रिव्यू तो निकल के आएंगे। अब यहाँ पर जो बात रहेगी भाई, यहाँ पर रावण की एक्टिंग, उसके बाद से राम जी की जो प्रभास एक्टिंग कर रहे, वो तो भाई मूवी के बाद पता चलेगा कि भाई एक्चुअली में उन्होंने एक्टिंग कैसी की। आप देखो, जो ट्रेलर जितना भी देखा ना, मेरे को तो प्रभास को 1% भी नहीं लगे कि भाई वो किस मतलब कोई भी टाइप से राम जी या श्री राम जी लग रहे, यहाँ तक कि भाई हनुमान जी भी मेरे को नहीं लग रहे हैं। सच बता रहा हूँ, मतलब दिल से बता रहा हूँ भाई, यहाँ पर तक कि रावण जो सैफ अली खान थोड़ा थोड़ा लग रहा था, लेकिन भाई से वो जो दाढ़ी मूंछ जो हटा दिया है, यहाँ पर दाढ़ी रख दिया है, तो पता नहीं यार क्या करने वाले ये। तो फाइनली जब मूवी आती है तो देखते, देखो मेरे हिसाब से इसके एडवांस बुकिंग हो सकता है भाई शायद 8 से 9 करोड़ जा सके, और फर्स्ट डे पे ये मेरे हिसाब से एटलीस्ट बम्पर ओपनिंग तो करेगी, मतलब 40 करोड़, तो एटलीस्ट 40 से 50 करोड़ तो इसको करना चाहिए, क्योंकि भाई मूवी में काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ है। तो आपका क्या राय है कमेंट में जो बताएं। चलो आज के वीडियो इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।